हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आज उसका एग्जांपल मेरे को देखने को मिल गया। एक सड़ी सी वेबसाइट है जिसमें एक गलत न्यूज छपी और उसके कारण पूरे डिप्लोमा वाले परेशान हो जा रहे हैं। एक वेबसाइट है जिसमें न्यूज छापी गई है कि 19 तारीख को, इस महीने की 19 तारीख को एनटीपीसी डीईटी का एग्जाम है, एडमिट कार्ड आ गया है और डिप्लोमा वाले बेचारे परेशान हुए जा रहे हैं कि भाई एग्जाम कब है। एडमिट कार्ड की लिंक तो किसी के पास आई नहीं है, कहाँ से एडमिट कार्ड आ गया, कहाँ जाना है पेपर देने वगैरह वगैरह। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं, कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, तो आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। भाई लोग, जैसा कि आप लोग जानते हो एनटीपीसी का 350 से ज्यादा पोस्ट निकली थी डीईटी की कुछ महीने पहले। उसकी लास्ट डेट जब खत्म हो गई थी तो उसके बाद एनटीपीसी ने एक और फॉर्म निकाला था डीईटी का ही, हैदराबाद रीजन में, सदर्न रीजन में, और उसको जोड़ दिया था पहले वाले रिक्रूटमेंट के साथ। यानी कि जो रिक्रूटमेंट था डीईटी का, उसकी लास्ट डेट और ज्यादा एक्सटेंड हो गई थी। जब आप एनटीपीसी डीईटी का फॉर्म भरे होगे तो उसमें टेंटेटिव डेट लिखा होगा एडमिट कार्ड की मिड ऑफ जुलाई और सीबीटी वन एग्जाम की डेट है एंड ऑफ जुलाई। लेकिन क्योंकि हैदराबाद जोन में जो पोस्ट निकली थी वह डीटी का नोटिफिकेशन का लास्ट डेट निकलने के बाद निकली थी और उन पोस्ट को भी डीटी के नोटिफिकेशन के साथ ही जोड़ दिया गया, जिसके कारण हो सकता है कि जो टेंटेटिव डेट है उससे देरी से अब एग्जाम होगा। जी हाँ भाई लोग, टेंटेटिव डेट से अब देरी से एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है, एनटीपीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में ही आपको पता चलेगा कि एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया। वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्जाम की डेट अभी तय नहीं की गई है। तो एग्जाम की डेट ही तय नहीं की गई है तो एडमिट कार्ड आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा? कोई फर्जी वेबसाइट आपको एडमिट कार्ड के बारे में नहीं बताने वाली है, एनटीपीसी खुद आपको बताएगा। आपने जब फॉर्म भरा तो आपने एक मोबाइल नंबर दिया होगा, एक ईमेल आईडी दी होगी, उसमें आपको मैसेज आ जाएगा, उसमें आपको मेल आ जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, इस डेट में एग्जाम है। तो वो ही सही है भाई लोग, अगर आपके पास आ गया है वो मेल कि 19 तारीख को आपका एग्जाम है, इस लिंक में क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, तो आप भाई कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम 19 को ही हो सकता है। लेकिन भाई लोग, ऐसा नहीं है, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है एनटीपीसी का, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, अभी आपके पास समय है। जैसे ही अपडेट आएगा कुछ, मैं आपको बताऊंगा, एडमिट कार्ड आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, मुझसे पहले आपको पता चल जाएगा, किसी वेबसाइट से पहले आपको पता चल जाएगा, क्योंकि फॉर्म आपने भरा है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है भाई लोग, एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा, आप एग्जाम देने जाएंगे। और अभी नहीं होने वाला है एग्जाम, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है, मेरे को नहीं पता, अभी डेट निर्धारित नहीं की गई है, तो जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं आपको बता देता हूं, और अगर आपको कोई अपडेट मिलती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो भाई लोग, यही थी कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो जरूरी से लाइक करना भाई लोग, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और उनको भी बताओ यार क्या सही है क्या गलत है। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान, जय किसान।